हाँ जी सत श्री अकाल, मैं बलजीत सिंह अटवाल। अज बड़ा इतिहासिक गुरद्वारा लखीसर भी कहिंदे, लखी जंगल भी कहिंदे ने, जिहड़ा कि चार पातशाहियां दी चरण छोह प्राप्त है जी। और बड़ी मुद्दतां दा दिल करदा सी इत्थे आउण नूं। और मेरा मेन मोटिव, मैनू जो गाइड किया बाबा निशान सिंह स्टेडियम वाला जी ने, उन्हां दी वीडियो मैं देखदा और उन्हां दे मोटिव ते चलण दी कोशिश कर रहा, ठीक है जी। और अज साडा तीसरा गेड़ा जी, तीसरा गुरद्वारा जी। हर हफ्ते संडे नूं असीं घूमण जांदे आ जी और दर्शन करन जांदे आ इतिहासिक गुरद्वारे जो बठिंडा दे नेड़े नेड़े ने। मेरा मेन परपज़ है भी जिहड़े नेड़े आपां उह तां कवर कर लईए। इह जी निशान साहिब, दो झूल दे निशान सिंघां दे, और गुरद्वारा लखीसर जिस दे दर्शनां नूं बहुत सालां तों तरसदा सी, और कुदरती परमात्मा ने अज मौका दिता। वाहेगुरु की मेहर हुई है जी। बाबा जी कार सेवा लई बैठे ने, इन्हां नूं जो भी लोग अपनी शरदा के मुताबिक कड़ा प्रसाद की देख हाजिर हो रही है जी। हाँ जी, दरबार साहब के दर्शन करो जी। सतनाम सतनाम सच्चे पातशाह, सब दियां यात्रा पूरियां कर रहे हैं, सब दियां मनोकामनाएं पूरी। दरबार साहब श्री लखीसर गुरु गोबिंद सिंह जी चरण छो, गुरु नानक देव जी के चरण छो प्राप्त है जी। इस गुरुद्वारा साहब सब दर्शन करो जी। दस गुरु साहिबान पंज प्यारे, सिखां दी परिभाषा जिन्हां दी धर्म से सीस दित्ते जी, उन्हां दी बहुत ही दिल खिचवी अट्रैक्शन है जी इस गुरद्वारा जी। मैनू इन्ना इमोशनल हो जा रहा क्योंकि मेरे फादर साहब जी का बहुत इंट्रस्ट से, गुरु गोबिंद सिंह जी का बहुत प्यार से। असी हिमाचल च भी उन्होंने गुरद्वारे दर्शन कर जाते रहे। हिमाचल च हुण गगरेट तो उपरां हाँ जी सिख साहिबान जी, मैं तो इन्नी नॉलेज नहीं रखता, मैं इन्ने तक है ही नहीं है कि मैं तुहानू कोई गाइड कर सकता, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मेरी दिल की इच्छा सी सिख इतिहास के गुरुद्वारे जो बठिंडा के नेड़े नेड़े मैं उन्होंने कवर करके देखा। मेरे गॉडफादर समझ लो बाबा निशान सिंह स्टेडियम वाले, उन्हां दियां मूवियां ने मैनू इन्ना मोटिव किया कि हो सकता परमात्मा ने मेरे ते कृपा की तो मैं जल्दी अमृत पान भी कराँगा जी। अमृत छकन की तैयारी च घर साढ़े सारे माहौल बनया पे, और परमात्मा ने जिदे मेहर की बस उद अमृत छकन की तैयारी है जी। गुरद्वारा साहब झूल दे निशान के नाल फुलों की फुलवाड़ी, फुल महकते ने, और इस तरह सिखा का प्यार भी महकी है।